एंड वेलकम बैक। पिछले वीडियो तक हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस, और आज का ये जो वीडियो है ये पैसिव वॉइस का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम जो बचे हुए रूल्स हैं पैसिव वॉइस के उनकी चर्चा करेंगे, साथ ही जो एक्सरसाइज है पैसिव वॉइस की वो हम इस वीडियो में करेंगे। आपको जो अभी तक सभी वीडियो में लिखाई गई जो बातें हैं वो आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, या आपको बार बार कह दिया गया है। अगर आपने नहीं अभी तक लिखा है तो आपके पास में पर्याप्त समय है, आप उसे अपनी नोटबुक में उतार लें। तो हम बात कर रहे थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। आई एम पी ई आर ए टी आई वी ई इम्पेरेटिव एस ई एन टी ई एन सी ई एस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से मतलब होता है वे वाक्य जिनमें आज्ञा निवेदन जैसे कमांड का प्रयोग किया जाता है, निर्देशात्मक ये वाक्य होते हैं या प्रार्थनात्मक ये वाक्य हो सकते हैं। तो जैसे प्लीज रेस्पेक्ट पेरेंट्स, कृपया माता पिता का सम्मान करें। तो यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा जा रहा है, बल्कि एक जनरल सी बात बोली जा रही है कि प्लीज रेस्पेक्ट पेरेंट्स, कि हमें सभी को जो अपने पेरेंट्स हैं उनके रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये एक निवेदन हो सकता है, ये एक सलाह हो सकती है। तो अगर आप मान लीजिए इसे सलाह निवेदन करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा था प्लीज़ काइंडली को हटाकर हम यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू रेस्पेक्ट पेरेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू रेस्पेक्ट पेरेंट्स। इस बात को दोबारा बताने से मेरा मतलब ये था कि अगर आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे आप शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके भी इसको बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ करना इतना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो आप शुरू में लाएंगे, पेरेंट्स, और ये वाला पार्ट ऐसे कैसे रख देंगे। तो पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमेशा से ही पैसिव वॉइस में हर तरह के वाक्यों में लगती है। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे वाक्यों की। अभी तक हम बात कर रहे थे प्लीज काइंडली या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों की, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब वाक्य लेट से प्रारंभ होता है, मतलब पहले से ही वाक्य जो एक्टिव सेंटेंस जो हमें दिया गया होता है वो लेट से स्टार्ट हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है। जैसे स्टार्ट द गेम, तो ये वाक्य दिया गया होता है तो हम इसको किस में बदलते हैं, लेट से बदलते हैं। तो लेट ऑब्जेक्ट लाते हैं, द गेम ऑब्जेक्ट के बाद में हम बी लगाते हैं, द गेम बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो हम लिखते हैं स्टार्टेड। तो अगर क्या हो वाक्य स्वयं ही लेट से प्रारंभ हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम ये एक वाक्य लेते हैं, लेट रवि प्ले द म्यूजिक, ये एक वाक्य हम लेते हैं। तो ये लेट से प्रारंभ हो रहा है, ऑलरेडी आपको लेट से सेंटेंस दिया गया है, जबकि ऊपर देखिए हम लेट में इसे बदल रहे हैं। लेकिन क्या हो जब वाक्य ऑलरेडी लेट में दिया गया हो तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो यहाँ आप नोटिस कीजिए, रवि एक ऑब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, द म्यूजिक ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस करना है। डिफरेंस कैसे करेंगे कि जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई ओ इसका अर्थ आपको समझना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु वगैरह दी गई होती है वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी ओ। तो हमें बस इसी चीज का ध्यान रखना है। तो आपको इसको इस हिसाब से बनाना है, लेट प्लस डी ओ प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई
प्लस आपका जो आई ओ यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है, इसके आधार पर आपको ये बनाना है, ये पैटर्न आप नोट कर लेना। तो देखिए बना के देखते हैं। तो लेट ऐसे कैसे यहाँ पर लिखना है, टी ओ जो कि है द म्यूजिक, द म्यूजिक, और बी डी ओ के बाद में है बी, तो बी वर्ड की थर्ड फॉर्म जो कि है प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, प्लेड। इसके बाद में बाई आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि है रवि, रवि। तो इस प्रकार से आपको ये सेंटेंसेस करने हैं। आई होप कि अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है ये कंप्लीट, उसके सभी रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमेशा हमसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे, बोर्ड में क्वेश्चन पेपर के अंदर किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड पैटर्न के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए मैं आपकी जो ग्रामर है उसका यूज़ कर रहा हूँ, उसकी एक्सरसाइज आप आगे जो है मेरे बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है द थीफ, द थीफ, टी एच आई ई एफ, द थीफ यस्टरडे एंड वॉज प्रिजर्व्ड, एंड वॉज प्रिजर्व्ड। तो इसके आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं इस तरह से। तो इसका ऑप्शन है इज कॉट, ऑप्शन बी इज बींग कॉट, सी ए यू जी एस टी, सी वॉज कॉट, और डी हैज बीन कॉट, हैज बीन कॉट, हैज बीन कॉट। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे, ऑप्शन ए इट्स कंसिडर्ड, बी हैड बीन कंसिडर्ड, हैड बीन कंसिडर्ड, सी वाज कंसिडर्ड, डी वाज बीइंग कंसिडर्ड, वाज बीइंग कंसिडर्ड। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। नंबर थ्री, द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स, द मेरिट होल्डर, द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स by the board last month, by the board last month, option A is awarded, B was awarded, C are awarded, D were awarded। तो ये तीन सेंटेंस हम लेते हैं और अब हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तक मोस्टली बोर्ड में जो पैटर्न देखने को मिला है ऐसे वो इसका वो इस प्रकार से आता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। तो जब वीडियो के सीरीज शुरू हुए थे तो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि टेंस की आपको गहरी स्टडी करनी है, कहने का मतलब बड़े ध्यान से उनको आपको अध्ययन करना था, उनकी जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं, उनके जो एडवर्ब्स हैं
एडवर्ब्स ऑफ टाइम, वो आपको कंटेस्ट करनी थी, अच्छे से समझ लेनी थी, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो तीन टॉपिक हैं बेसिकली टेंसेस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो बहुत ही इजीली हम कर पाते हैं। टेंस के अधूरे ज्ञान के आधार पर हम ये दोनों टॉपिक नहीं कर पाते। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसका उदाहरण, द थीफ यस्टरडे एंड वाज प्रेजेंट। तो अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़े हैं तो आप बड़ी इजीली यस्टरडे को स्पॉट करके पहचान सकते हैं कि आपको क्या भरना है। तो यस्टरडे अगर आपको याद हो तो एडवर्ब थी पास्ट सिंपल की, पास्ट सिंपल, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है सिंपल में, और बाकी सब में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब हमने ये पहचाना कि ये टेंस है पास्ट सिंपल और पैसिव वो इसमें, लेकिन ये बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें लगेंगी। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका हो। तो आपको वाज वर्ब जो है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको लेनी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा बिना किसी डाउट के आती जाती है। तो हमें चूज करना है वाज और वर्ब में से एक, जो कि डिपेंड करेगा इसके ऊपर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल। तो आप देख सकते हैं द थीफ सिंगुलर है, तो यानी कि वाज आएगा। तो आप देख सकते हैं वाज यहाँ एक ही जगह दे रखा है, वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी है, तो वाज कॉट इसका आंसर होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे। तो यहाँ पे आप देखिए एडवर्ब टुडे है, टुडे किस टेंस के एडवर्ब होती थी, टुडे किस टेंस की एडवर्ब होती है, तो ये टुडे आता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है उस प्रेजेंट टेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है। हो सकता है टुडे को देखकर आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप ऑप्शन देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है इज आर एम प्लस बींग में, लेकिन यहाँ पर तो इज आर एम बींग है ही नहीं, यहाँ पर इज कंसिडर्ड है और बाकी सब पास्ट के हैं, जबकि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। तो डेफिनेटली आप ये इसका आंसर जो है पता लगा सकते हैं कि इज कंसिडर्ड है, तो इज कंसिडर्ड ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स बाय द बोर्ड लास्ट मंथ। अगेन यस्टरडे की तरह इसमें जो टाइम दे रखा है वो पास्ट का है, तो पास्ट का इसमें आप देखिए दोनों प्रेजेंट में है, आपको इन दोनों विकल्प में से चूज करना है। लास्ट मंथ आपकी मदद करेगा ये जानने में कि ये कौन सा टेंस है, तो इसमें एक है वाज अवार्डेड और एक है वर अवार्डेड, तो आपको वाज चूज करना है या वर चूज करना है, ये आप सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडिंग करेगा। तो द मेरिट, अगर आप मेरिट के आधार पर चूज कर लेते हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे है द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स यानी कि जो मेरिट छात्र, जो मेरिट होल्डर छात्र जो हैं, वे छात्र जिन्होंने मेरिट प्राप्त की है, ये सब्जेक्ट इसका है। स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए अनडाउटली वर आएगा, तो आप इसका आंसर लिखेंगे वर अवार्डेड। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे और किस तरह के जो बोर्ड पैटर्न जो है, जो कि संभावना है आए या नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन वो पैटर्न अलाउड है, कि इसके अलावा वो पैटर्न के आधार पर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट उनकी बात करते हैं। तो अगला जो पैटर्न है, टाइप जो है क्वेश्चन की, जो बोर्ड में आ सकती है, आज तक आई नहीं है, हमेशा ये ऑप्शनल ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं संभावित टाइप्स की, जिस तरीके से पैसिव वॉइस आपके सिलेबस में आ सकती है, सिलेबस में दी गई है। तो सेकंड टाइप है टाइप टू CLOZE, जिसे कहते हैं क्लोज। तो इसका एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल्स, ये एक्सरसाइज आप ग्रामर में चेक कर सकते हैं, ऑयल ब्रैकेट नो, यहाँ पे खाली स्थान, फिर नो, सिंस वेरी ओल्ड टाइम, सिंस वेरी ओल्ड टाइम्स, नो हाउस होल्ड, नो हाउस होल्ड
नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है, फॉर इट ब्रैकेट ब्लैंक और ब्लैंक के बाद में है यूज, फॉर इट यूज इन कुकिंग, इन कुकिंग फुल स्टॉप, परफ्यूम्स खालिस्तान प्रिपेयर ब्रैकेट में और फ्रॉम द ऑयल्स, फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, सर्टेन फ्लावर्स फुल स्टॉप, सोप्स SOPS सोप्स मेक फ्रॉम वेजिटेबल्स, फ्रॉम वेजिटेबल्स वेजिटेबल सॉरी वेजिटेबल एंड एनिमल एनिमल्स ऑयल्स। ये एक एग्जांपल है क्लोज का जो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो आप देखिए। तो इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। तो सबसे पहली गलती पहला सेंटेंस देखकर उसका जवाब देना, ये ठीक नहीं है। आप हमेशा क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ें, उसको उसका एनालिसिस कीजिए और फिर उसको अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद में डिसाइड कीजिए कि करेक्ट जो आंसर है वो पॉसिबली क्या हो सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे, इसको स्टडी करते हैं इसके एक बार कि क्या इसमें कोई ऐसा क्लू है जिससे ये डिसाइड कर सकें कि ये इस टेंस के अंदर आएगा। तो वेजिटेबल ऑयल सिंस वेरी ओल्ड टाइम्स, तो यहाँ पे देखिए सिंस के बाद में वेरी ओल्ड टाइम्स, तो यहाँ सिंस वेरी ओल्ड टाइम्स दिया गया है। फिर इसके बाद में नो हाउस होल्ड कैन, तो कैन एक मॉडल है जो केवल प्रेजेंट के लिए यूज होता है, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे। फॉर इट यूज इन कुकिंग परफ्यूम्स फ्रॉम द ऑयल्स इन सर्टेन फ्लावर्स, सोप्स फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल्स ऑयल। तो ये सब दोनों चीज़ें देखने के बाद में आपको ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अब ऐसा कौन सा प्रेजेंट टेंस है जिसके अंदर सिंस का प्रयोग होता है? तो केवल एक ही टेंस है जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी होती है हैज बीन, हैव बीन पहचान, और पैसिवो इसमें ये चेंज नहीं होता है। मतलब जैसा ये है वैसा ही रहता है, लेकिन जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो बदलाव होता है वो डेफिनेटली इसमें भी होगा। बस चेंज अगर नहीं होगा तो वो है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब की भी थर्ड फॉर्म पैसिवो इसके अकॉर्डिंग इसकी बदलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हैज वेजिटेबल ऑयल एक वचन है इसलिए हम लिखेंगे हैज बीन, नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, तो हैज बीन नोन, ये हमारा पहले ब्रैकेट का, तो ये हमारे पहले ब्रैकेट का आंसर है। फिर इसके आगे हम देखते हैं नो हाउस होल्ड कैन, जो कि प्रेजेंट का सूचक है कि प्रेजेंट टेंस इसमें है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आ रहा है कैन। यहाँ पे वाक्य खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये कोमा है, तो कहने का मतलब ये कंप्लीट पैराग्राफ ही प्रेजेंट में है। तो फॉर इट, तो ये प्रेजेंट में होने के कारण अब प्रेजेंट टेंस बदलता है प्रेजेंट सिंपल टेंस इज आर एम के अंदर। यहाँ पे हमें क्लू साफ दिया गया था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे कैन से हमें समझ में आता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो बदलता है इज आर एम के अंदर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी होती है। तो फॉर इट, इट एक वचन है तो एक वचन के साथ में इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी यूज्ड, तो इज यूज्ड, ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा है परफ्यूम्स, जो कि है बहुवचन प्रिपेयर,
और क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, सभी इस आर एम कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं, तो परफ्यूम्स जो कि बहुवचन है इसलिए लिखा जाएगा आर, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होगी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। इसके बाद में है सॉप्स जो कि फिर से बहुवचन है, मेक तो बहुवचन होने के कारण हम लिखेंगे आर और मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेड। तो इस तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है। अगेन मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि अभी तक बोर्ड के अंदर मेरे देखने में जो पेपर्स हैं उनके अंदर केवल ऑप्शनल यानी कि इससे पिछले जो एक्सरसाइज की थी उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इस तरह की ये जो टाइप हैं वो शामिल हैं और बिल्कुल लीगल वैध तरीके से ये एक्सरसाइजेज पॉसिबली आ भी सकती हैं, तो सभी प्रकार का अध्ययन जरूरी है। तो अब हम देखेंगे इसकी तीसरी टाइप। तो तीसरी टाइप में कुछ स्पेशल नहीं है क्योंकि ये वो रेगुलर तरीका है जो हम पैसिव्स के वाक्य बनाने के लिए अब तक करते आए हैं, यानी कि सेंटेंसेस को बदलना, जिसे कि टाइप थ्री हम कहने वाले हैं। और टाइप थ्री और इसे कहते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमने एग्जाम्पल के रूप में अब तक देखे हैं वो सब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके थे। तो इसका पहला एग्जाम्पल जो है वो हम लेने वाले हैं, ही हैज लर्नड learnt ऑल their lessons, जगह छोड़ देते हैं ताकि हम इसका आंसर कर सकें। दूसरा है Nobody, nobody saw the tiger in recent days. Nobody saw the tiger in recent days. तीसरा है they celebrate, they celebrate Diwali in the month of October या November। चौथा Nobody can do it. Nobody can do it. पांचवा सेंटेंस जो है वो हम लेंगे people, people, people understand, people understand Hindi all over the country। तो ये हमारे पांच सेंटेंस जो है वो हमने लिए। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इनके आंसर्स करने हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य है हमारा वो है ही हैज लर्नड ऑल द लेसन्स। तो यहाँ पे देखिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपने से अगले वाले यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हैज बीन और हैव बीन। वर्ब की चिंता आपको करने की आवश्यकता पूरे टॉपिक में पड़ी नहीं और ना ही पड़ेगी बिकॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ऑलवेज हमें काम में लेनी है। तो जो ओनली चेंज हमें करने हैं वो है ही सब्जेक्ट है, द लेसन ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ऑल द लेसन सॉरी ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे शुरू में, तो ऑल द लेसन्स बहुवचन है, ऑल द लेसन्स बहुवचन है। अब हमें हैज बीन हैव बीन में से चूज करना है, बहुवचन के लिए आपको पता है हैव बीन का प्रयोग होगा, तो ऑल द लेसन्स हैव बीन परफेक्ट टेंस में पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। अगर नहीं दी गई होती और वो टेंस होता तो हम
थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं, सीखना LEARN, लर्न यानी सीखना, और इसके थर्ड फॉर्म में केवल टी एंड में जुड़ जाता है यानी सीख चुका। हैव लर्नड, हैव बीन लर्नड बाय हिम, एक बदल जाएगा हिम में, जो कि प्रोनाउंस की मैंने आपको टेबल शुरू में समझाई थी कि ही हिम में बदलता है, सी हर में बदलता है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो है हमारा सेंटेंस वो है Nobody saw the tiger in recent days. हाल ही के दिनों में किसी ने बाघ नहीं देखा। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होने का मतलब है कि ये एक पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस जिसकी पहचान होती है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर साधारण वाक्य में केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दे रखी है यानी पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में उसे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है जो कि है पास्ट कंटिन्यू। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये है कि यहाँ पर नोबडी लिया गया है। तो मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट में बताया था कि नोबडी, नो वन वगैरह अननेसेसरी सब्जेक्ट हैं, तो दे भी एक अननेसेसरी सब्जेक्ट है। यहाँ पे अगेन नोबडी एक अननेसेसरी सब्जेक्ट है, तो नोबडी, नो वन, पीपल, एवरीवन, जो कि मैंने आपको शुरू में नोट करवा दिया है, ये अननेसेसरी सब्जेक्ट है। लेकिन जब नोबडी या नो वन होता है तो हम उस सब्जेक्ट को हटा तो देते हैं लेकिन नोट हम अपनी तरफ से फिर जोड़ते हैं उदाहरण के तौर पे। तो इतना तो आपको पता चल गया कि ये पास्ट सिंपल है और वाज वर्ब में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोबडी सब्जेक्ट था, वर्ब है द टाइगर, ये ऑब्जेक्ट है, और इन रिसेंट टेंस, रिसेंट डेज ये टाइम है। तो सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट जो कि है द टाइगर, तो हम लिखेंगे द टाइगर। हेल्पिंग वर्ब लेनी थी हमें वाज वर्ब, तो टाइगर एक वचन है इसलिए हम लिखेंगे वाज, वाच। अब नोटिस कीजिए कि नोबडी हट रहा है तो हमें इसमें नोट जोड़ना है, और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे द टाइगर वाज नोट। नोट के बाद में अब आती है हेल्प वो मैन वर्ब, तो मैन वर्ब इसमें सा है, तो सा की थर्ड फॉर्म होगी सीन। द टाइगर वाज नोट सीन, और इसके बाद में बच गया आपका टाइम, वो लिख देंगे इन रिसेंट डेज। तो कहने का मतलब अब बाई लगा के आपको नोबडी लिखना नहीं है क्योंकि ये अननेसेसरी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है दे सेलिब्रेट दीपावली या दिवाली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या फिर नवंबर, तो दे भी एक अननेसेसरी सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंस नहीं देगा, दे हट जाएगा और इसका कोई नेगेटिव सेंस नहीं आएगा, इसमें नोट वगैरह हम नहीं लगाएंगे, नोट हम लगाएंगे नोबडी नो वन होने पर, तो इसको हम भूल जाते हैं। और हमें ध्यान देना है सेलिब्रेट दीपावली जो कि दिवाली ऑब्जेक्ट है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर ये टाइम है, तो सबसे पहले हम लाएंगे दीपावली यानी कि दिवाली, यहाँ पे सॉरी लिखा है, तो दिवाली, दे सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। सेलिब्रेट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगती है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बदलता है अगले की टेंस की हेल्पिंग वर्ब उसमें लगती है इज आर एम। तो दीपावली एक वचन है तो इसके साथ लगेगा इज, दिवाली इज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है मेन वर्ब, अगर नेगेटिव वाक्य हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है नोट, जैसे कि ऊपर वाच के बाद में नोट, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है इसलिए मेन वर्ब आएगी, तो हम लिखेंगे इज सेलिब्रेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेट की होती है सेलिब्रेटेड, तो इज सेलिब्रेटेड दिवाली इज सेलिब्रेटेड, और जो बच गया वो पार्ट जो ऐसे कैसे लिख देंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। नेक्स्ट है नोबडी कैन डू इट, तो इसमें अगेन नोबडी आ गया, तो मैंने कहा था कि अननेसेसरी सब्जेक्ट है ये, नोबडी हो तो हम नोट भी लगाते हैं, तो सबसे पहले तो इसे हमें लिखना नहीं है, नोबडी कैन डू इट, तो कैन हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया और मॉडल दोनों एक ही चीज़ होते हैं, मतलब मॉडल जो है वो सहायक क्रिया का ही एक प्रकार है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, डू वर्ब और इट ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लाएंगे इट, इट के बाद में आपको जो मॉडल है जो दिया गया है वो लिखना होगा, तो इट कैन
और अब हमें नोबडी हटाना है, तो मैंने कहा था यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नोट लिखना है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रखा दिया हुआ है, यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब का ही एक रूप होता है, तो इसके बाद में हम लिखेंगे कैन नॉट, तो इट कैन नॉट। अब जब मॉडल वाक्य में दिया गया हो पैसिव वॉइस के अंदर, तो हम हमेशा बी लगाते हैं, बी ई, तो आपको ये अच्छे से याद होगा, तो हम लिखेंगे कैन नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की होगी डन, तो इट कैन नॉट बी डन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पीपल अंडरस्टैंड हिंदी ऑल ओवर द कंट्री, तो पीपल लोग जो कि एक अननेसेसरी सब्जेक्ट है, एवरी वन पीपल ऑल द पीपल वगैरह वगैरह, तो पीपल अंडरस्टैंड जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पीपल बहुवचन है, तो इसके साथ में आप समझ सकते हैं इसको देखकर कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें फिर से अगेन इज आर एम हमें चूज़ करना है, तो अंडरस्टैंड हिंदी ऑल ओवर द कंट्री, हिंदी ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड वर्ब है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब फॉर प्लेस, तो ऑब्जेक्ट जिसमें हिंदी है, तो सबसे पहले हम हिंदी लिखेंगे, हिंदी, अब क्योंकि इज आर एम में से हमें सेलेक्ट करना है, चूज करना है, तो हिंदी एक वचन है, इसलिए हम लिखेंगे इज, और इसके बाद में यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा आती है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ पे अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म होगी अंडरस्टूड, इज अंडरस्टूड, और इसके बाद में केवल ये एक पार्ट बचा है ऑल ओवर द कंट्री, वैसे कैसे लिखते हैं, हिंदी यहाँ आई गई थी, तो ऑल ओवर द, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, पीपल एक अननेसेसरी सब्जेक्ट है, तो इस प्रकार से ये जो है तीसरी टाइप आपकी वो हो गई है। इसके अलावा तीन टाइप और हैं जिनके हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज जो है वो अगले वीडियो में उनकी करेंगे।